हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम 2017 में जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। इस पेपर में 1 से 25 तक जो क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और 25 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि समान उद्देश्य तथा विधेय के दो मानक निरपेक्ष तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित है कि अगर एक अनिर्धारित रहता है तो दूसरा भी अनिर्धारित होगा, तो उनका संबंध क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उनका संबंध अंतर्विरोधी संबंध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, महिलाओं तथा पुरुषों की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी को भी दूसरे के सापेक्ष अधिक अपकृष्ट अथवा उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी पक्षी के पंखों को मीन पक्षों के सापेक्ष उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट नहीं माना जा सकता है, तो यह किस प्रकार का तर्क है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सादृश्य परक। और इस तरह का एक क्वेश्चन 99% नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, और मोस्टली उसका जो आंसर होता है वो सादृश्य परक ही होता है। मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित तर्क वाक्यों में से दो इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों सही नहीं हो सकते हैं, किंतु वे दोनों गलत हो सकते हैं, तो उस कूट का चयन करें जो उन तर्क वाक्यों को बताते हैं। इसमें नीचे तर्क वाक्य दिए हुए हैं, प्रत्येक छात्र दत्तचित्त होता है, कुछ छात्र दत्तचित्त होते हैं, छात्र कभी भी दत्तचित्त नहीं होते हैं, कुछ छात्र दत्तचित्त नहीं होते हैं। तो बताना है कि ऐसा तर्क वाक्य है जो कि दोनों सही नहीं हो सकते किंतु वे दोनों गलत हो सकते हैं, तो वो होंगे ए और सी, प्रत्येक छात्र दत्तचित्त होता है और छात्र कभी भी दत्तचित्त नहीं होते हैं। ये दोनों कथन सही नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, नीचे दो तर्क वाक्य ए और बी दिए गए हैं, उन दोनों तर्क वाक्यों से चार निष्कर्ष निकाले गए हैं, उस कूट का चयन करें जो तर्क वाक्यों से मान्य निष्कर्षों को दर्शाता है। तो तर्क वाक्य दिए हुए हैं, अस्पृश्यता एक अभिशाप है, सभी गर्म बर्तन अस्पृश्य हैं। तो इससे निष्कर्ष निकाले हुए हैं, सभी गर्म बर्तन अभिशाप है, कुछ अस्पृश्य चीज़ें गर्म बर्तन हैं, सभी अभिशाप अस्पृश्यता है और कुछ अभिशाप अस्पृश्यता है। तो इसे स्टेटमेंट से ये जो फोर कंक्लूजन है ये निकाले हुए हैं, तो इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो इस डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, ये इसमें सही है। सभी गर्म बर्तन अभिशाप है और कुछ अस्पृश्य चीजें गर्म बर्तन है। नेक्स्ट है, यदि कथन और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है, ये गलत है, तो निम्नांकित में से किस कथन को सही माना जा सकता है? सही कूट का चयन करें। तो इसमें ये फोर दिए हुए हैं, इनमें से जो सही है वो है बी, दौड़ में विजयी होने वाले कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें डाटा दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तरफ वर्ष दिए हुए हैं और एक तरफ इसमें जनरल पत्रिका और पुस्तक है उनकी बिक्री दी हुई है, लाख में कितनी बिक्री हुई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन 31 है, वर्ष 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 45%, और ये कैसे होगा ये भी आप देख सकते हैं कि 2015 में जो कुल राजस्व है वो कितना है, 173, और इसमें पूछा हुआ है पुस्तकों द्वारा प्राप्त राजस्व है वो कितना है, तो पुस्तकों द्वारा कितना राजस्व प्राप्त हुआ वो है 78। अब इसको परसेंट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 78
डिवाइड बाय 173 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में कम से कम दो मदों की श्रेणियों में राजस्व में वृद्धि हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। वर्ष 2013 में जनरल पत्रिका व पुस्तकों के राजस्व में वृद्धि हुई, और वर्ष 2014 में पत्रिका व पुस्तकों के राजस्व में वृद्धि हुई। अब देख सकते हैं इसमें वर्ष 2013 में और 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2016 के दौरान कुल बिक्री राजस्व में लगभग वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि होनी हो, तो वर्ष 2016 के दौरान राजस्व में वृद्धि लगभग कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 177 लाख। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि 2014 का कुल राजस्व कितना है, 169 लाख, और 2015 का जो कुल राजस्व है वो कितना है, 173 लाख। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4 लाख का आ रहा है। अब अगर इतनी ही वृद्धि होगी तो 2016 का जो राजस्व होगा वो कितना हो जाएगा, 173 है 2015 में, अब अगर 4 लाख की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 177 लाख। ये आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा एमसीए छात्रों के संबंध में आंकड़े छात्रों के प्रदर्शन तथा लिंक के अनुसार तालिकाकृत किए गए हैं। आंकड़ों के कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रखा गया है, लेकिन संयोगवश कंप्यूटर वायरस के कारण कुछ आंकड़े नष्ट हो गए, केवल निम्नांकित आंकड़े अभिरक्षित किए जा सके। तो एमसीए छात्रों की संख्या, इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और कुछ क्या है, नष्ट हो गए बीच में से, तो आपको इनमें से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जो नष्ट हो गए आंकड़े वो ही आपको बताने हैं। तो पैनिक बटनों को दबाया गया किंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसने यह निर्णय किया कि ये निम्नांकित तथ्य स्वतः साक्ष्य थे, आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे, 40% छात्र महिलाएं थी, पुरुष छात्रों में से एक तिहाई छात्र औसत स्तर के थे। तो ऊपर दिए गए आंकड़ों के आधार पर 34% 36 के उत्तर दें। क्वेश्चन, कितनी महिला छात्राएं उत्कृष्ट है? तो इसको सोल्व करने के लिए पहले निकालेंगे कुल स्टूडेंट है वो कितने हैं। तो कुल महिला छात्राएं, माना कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है, एक्स है। अब हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि 40% छात्र महिलाएं थी। अब एक्स का 40% है वो महिलाएं हैं, और वो कितनी दी हुई है यहाँ से देखिए आप, महिलाएं टोटल कितनी दी हुई है, 32 दी हुई है। यानी एक्स का जो 40% है वो कितना है, 32 है। अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करेंगे, जब एक्स का जो 40% है वो कितना है, 32 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सोल्व करके, 80 आ जाएगी। तो यानी कि जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 80 हैं। अब इसमें से 80 में से 32 है वो महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 80 में से इनको माइनस कर देंगे तो 48 कितने हो गए, पुरुष छात्र हो गए। अब इसमें एक स्टेटमेंट क्वेश्चन में और दी हुई है कि आधे छात्र या तो उत्कृष्ट थे या उत्तम थे। आधे छात्र मतलब 80 थे, 80 में से आधे कितने हो गए, 40। जो 40 छात्र हैं वो या तो उत्तम थे या फिर उत्कृष्ट थे, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में ही दिखाया हुआ है कि जो टोटल है उनमें 30 छात्र है वो उत्तम है, तो फिर उत्कृष्ट कितने रह जाएंगे, इसके बेस पे हम निकाल सकते हैं उत्कृष्ट छात्र कितने रह जाएंगे, 10 रह जाएंगे। और यहाँ से औसत छात्र हैं वो भी हम निकाल सकते हैं, जो औसत छात्र हैं इसके लिए भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है। देखो, आधे छात्र या तो उत्तम या उत्कृष्ट थे, इस स्टेटमेंट के बेस पर हम यहाँ से हमारे पास आ गए कि जो औसत छात्र हैं वो कितने हैं, 40 हैं। अब 40 में भी पुरुष औसत छात्र हैं वो कितने हैं, ये निकालने के लिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कि पुरुष छात्रों में से एक तिहाई औसत स्तर के थे,
यानी पुरुष छात्र है कितने, सबसे पहले इसमें जो फोर्टी एस है, एस के बाद फोर्टी पी को एट है स्किप कर पुरुष दिया तो आ छात्र, गया और यू, औसत छात्र यू है के वो बाद कितने वी को हैं, स्किप कर 40 दिया हैं। आ गया, अब पुरुष फिर औसत यू, छात्र अगर हम डब्ल्यू के निकालेंगे बाद तो एक एक्स को तिहाई, स्किप कर 48 दिया का एक और आ तिहाई गया कितना वाई, जाएगा, और इसी 16। तरीके तो से पुरुष जो औसत बाकी छात्र के कितने दो हो गए, है सोलह उनको हो भी गए। सोल्व किया अब गया इन है। सभी के बेस पर ये जो तालिका है इसको पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ से अब देखोगे जो उत्कृष्ट महिलाएं हैं वो कितनी आ जाएगी, महिला छात्राएं, वो हो जाएगी 0। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है। तो जो अभी हमने तालिका बनाई थी उसमें उत्तम महिला छात्र है वो कितनी है, 8, और टोटल जो महिला छात्राएं हैं वो कितनी है, 32। तो उनमें अनुपात निकाल सकते हैं 8/32, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/4। आप यहाँ पे ये जो तालिका है इसमें देख सकते हैं जो उत्तम महिलाएं हैं वो कितनी हैं, 8, और टोटल महिलाएं कितनी हैं, 32। तो इनमें अनुपात निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.25। नेक्स्ट है, उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है। तो उत्तम पुरुष छात्र कितने हैं, 20, 22, और कुल उत्तम छात्र हैं 30। इनके बीच में अनुपात निकाल लिया तो इसका जो आंसर है वो आ गया 0.73। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, केवल जो S2 कथन है वो सही है। आप इसका सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़े। इसमें फर्स्ट है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का उपसमुच्चय माना जाता है, और जो सेकंड है वो है, सॉफ्टवेयर के किसी हिस्से के उपयोग अधिकार को कॉपीराइट या फिर सर्वाधिकार सुरक्षित कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सीपीयू, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एक सामयिक प्रकाशन बनाने हेतु डाटा स्रोत में परिवर्ती सूचना के साथ प्रकाशन में अपरिवर्तनीय सूचनाओं के संयोजन के प्रक्रम को जाना जाता है। तो उसका उसको कहा जाता है मेल मर्ज। नेक्स्ट है, डीवीडी प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो डीवीडी परिवर्णी किसके लिए है। तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जो डीवीडी है उसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के रूप में जाना जाता है, और यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है, और इसे वर्ष 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित किया गया, और इसका मुख्य उपयोग वीडियो और डेटा भंडारण करना होता है। इसका जो आकार होता है वो सीडी के समान ही होता है, लेकिन ये 6 गुना अधिक डेटा भंडारण कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कथन दिए हुए हैं, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये सही है। दूसरा है, तर्क दिया हुआ है, पर्यावरणीय दृष्टि से सही नीति पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है अथवा प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं करती है, तो ये भी सही है। जो ए और आर है ये दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो इसका प्रमुख स्रोत होता है वाणिज्यिक क्षेत्र।
जो शहरी क्षेत्र होते हैं मोस्टली वो वाणिज्यिक क्षेत्रों के आसपास ही स्थित होते हैं, और जो वाणिज्यिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं होता है वो वायु प्रदूषण करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग नहीं है, तो इनमें से जो डेंगू है वो जल जनित रोग नहीं है। जो डेंगू होता है वो मच्छर के कारण होता है, और ये एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी है, और जो कि एडीज एजेप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजना से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य है 5 गीगावाट का। नेक्स्ट है, किस देश में हाल ही में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो रवांडा में। अब 2016 में रवांडा की राजधानी किगाली में जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसको कि किगाली सम्मेलन भी कहते हैं। इसमें 197 देशों ने भाग लिया तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है, तो जो बी है समुद्री कटाव वो हाइड्रो मौसमी नहीं है। हाइड्रो मौसमी प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती है, जैसे कि हिमस्खलन, सुनामी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो ये सब होते हैं। बाकी जो समुद्री कटाव है इसका जो संबंध है वो अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं। विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण, शिक्षा के लागत में बढ़ोतरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सी और डी। अवगुण कौन कौन से हैं, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण और शिक्षा के लागत की बढ़ोतरी, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डीमड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। ए है, राज्य के राज्यपाल डीमड विश्वविद्यालयों के कुल अधिपति होते हैं। बी है, वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। सी है, वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। और डी है, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन से कथन है वो सही है ये बताना है। तो इसमें से जो बी, सी और डी, ये तीनों सही हैं, तो इसके बेस पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताने के कौन से कथन है वो सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है, और राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इनमें से जो कौन कौन से कथन सही है वो बताना है, तो वो है बी और सी। जो बी और सी कथन है ये दोनों सही है। जो भारत है उसमें द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था है, राज्यसभा है और लोकसभा है। तो जो राज्यसभा है वो निरंतर चलने वाला सदन है जिसको कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। जो राज्यसभा है इसमें केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली व पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व है, और यह स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और ना ही इसके सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप से अनिवार्य नहीं होता है। ए है, राज्य विधानसभा को भंग किया जाना। बी है, राज्य में मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी किया जाना। सी है, राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना। और डी है, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें जो ए स्टेटमेंट है और जो डी स्टेटमेंट है ये दोनों सही है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों स्टेटमेंट के बेस पे ए, जिसमें कि ए और डी स्टेटमेंट है ये दी हुई है,
ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सदाचरण पर्यंत पद पर रहता है? राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है, अथवा अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। इसमें फर्स्ट है, जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता है। कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है। तो बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन है वो स्वीकार्य कथन है। इसमें नीचे दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। बी में कौन कौन से स्टेटमेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो फिफ्थ स्टेटमेंट है ये सही है, ये स्वीकार्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दो स्टेटमेंट दी हुई है। इसमें ए है, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ये बिल्कुल सही है कि जो सीखना है वो तो जीवन भर चलता ही रहता है। नेक्स्ट है, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन पर कर्मों से जोड़ा जाना चाहिए। जो आर है ये भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाना चाहिए? अधिगम परिणामों के आधार पर। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, परिचर्चाओं की विधि में। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, शैक्षिक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दी हुई है और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले एग्जाम में 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें सिर्फ 50 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अभी कथन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। और जो तर्क दिया हुआ है वो है, संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो इसमें से जो ए है वो सही है, परंतु जो आर है वो गलत है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको एच टेट, सी टेट, नेट या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।